गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल। आज हम बना रहे हैं दिवाली स्पेशल रॉकी रोड चॉकलेट चिक्की बार्स। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे सिके हुए तिल, सिकी हुई मूंगफली, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और शुगर। मूंगफली के छिलके निकाल देंगे और चॉकलेट के हम छोटे छोटे पीस करके यहाँ पे बाउल में रखे हैं हमने। बार्स को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप के शेप्स के मोल्ड लिए हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम मूंगफली का चिक्की बनाएंगे। चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप शुगर लेकर के हम उसको स्लो फ्लेम पर ही हिलाते हुए ब्राउन कलर आने तक उसको मेल्ट करेंगे। फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। तब तक हम एक प्लेट को बटर से ग्रीस करेंगे। एक चम्मच जितना बटर मेल्टेड शुगर में ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मूंगफली ऐड करके मिक्स करके ग्रीस की हुई प्लेट में उसको सेट होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद उसके टुकड़े करके उसको दर दरा सा हम कूट लेंगे। यहाँ पर हम मूंगफली के बदले काजू या बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी चिक्की बना करके ऐड कर सकते हैं। गाइस, हम दिवाली में हर बार चिक्की तो बनाते ही हैं, चाहे ड्राई फ्रूट की बनाए या मूंगफली की, लेकिन ये रेसिपी एकदम यूनिक है, तो उसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे हो या बड़े हो, वो चिक्की खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चॉकलेट वाली चिक्की डेफिनेटली आई एम श्योर कि खाना ज़रूर पसंद करेंगे। स्लो गैस पर बाउल में पानी गर्म होने रखेंगे, उसके ऊपर थोड़े बड़े बाउल में मिल्क चॉकलेट ऐड करके मेल्ट करने के लिए रखेंगे हम। के बाद एक से दो मिनट चॉकलेट को अच्छे से फेंटेंगे, इससे चॉकलेट के अंदर अच्छा सा शाइन आता है। अब इसके अंदर आधा कप सिके हुए तिल और दो टेबलस्पून जितना ये कुटा हुआ चिक्की हम ऐड करेंगे और एक टीस्पून बटर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके मोल्ड के अंदर अच्छे से प्रेस करके सेट होने के लिए रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ये कुटा हुआ हमारा चिक्की का क्रंच भी स्प्रिंकल करेंगे। ये बार्स को हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको आप चाहे तो फ्रिज में भी सेट कर सकते हो या फिर बाहर रूम टेम्परेचर पे भी सेट कर सकते हो। अब उसी बाउल में हमने जैसे मिल्क चॉकलेट को मेल्ट किया था, उसी तरीके से डार्क चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, बटर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और बचा हुआ जो मूंगफली था ना हमारा, हमने उसका चूरा कर दिया है, वो चूरा भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे और चिक्की का क्रंच भी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके मोल्ड में डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा ये कुटा हुआ जो मूंगफली है हमारा, जो मूंगफली का चूरा है, वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और सारे ये जो मोल्ड के अंदर हमने इसको फिल किया है वो अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करके और उसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। गाइस, जैसे ही हमारे बार्स ठंडे हो जाएंगे तो हम उनको डीमोल्ड करेंगे। तो रेडी है हमारे रॉकी रोड चॉकलेट चिक्की बार्स, अलग अलग शेप में न्यू वर्जन ऑफ चिक्की। तो आप भी इस फेस्टिवल ये रेसिपी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।